हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर्स। आप लोगों के लिए सीएसजीएम यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक न्यूज़ मिली है वहाँ से, तो मैं वो आपके साथ में डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा न्यूज़ अच्छी नहीं है, बट मेरा काम है आपके साथ में डिस्कस करना, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर करूँगा, क्योंकि आपको अपडेट तो देना ही है। क्योंकि अपडेट अगर नहीं देंगे तो आप लोग जानेंगे नहीं कि क्या हो रहा है अंदर। तो यहाँ पर ये चीज़ एक समझ मिली है कि जो अभी तक रिजल्ट्स को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अभी तक इंटरनल के जो अंक्स हैं, आपको जो मार्क्स हैं इंटरनल के, ठीक है, वही अभी तक आपको नहीं मिले हैं। मतलब अभी आपके रिजल्ट्स में, और मतलब इतनी जल्दी जो 30 तक रिजल्ट्स हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग लकी हुए तो शायद ये 30 तक आए, नहीं तो 30 तक उम्मीद बिल्कुल आप छोड़ दीजिए कि 30 सितंबर तक आपका रिजल्ट्स आ जाए, क्योंकि क्या रीज़न है वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि एक आप लोग जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके बताएं, अगर वो बीएड सेकेंड ईयर से, मतलब उनका बीएड सेकेंड ईयर है, चाहे वे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आप लोग ये बताएंगे क्या आप लोगों का जो प्रैक्टिकल फाइल है, ठीक है, क्या वो आपसे बनवाया गया है, और क्या वो प्रैक्टिकल फाइल आपसे मतलब जमा कराई जा रही है, सबमिट कराई जा रही है आपके कॉलेज में। तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि यस सर मतलब सबमिट कराई जा रही है, या नो सर सबमिट नहीं कराई जा रही है, ठीक है। तो आप लोग बस छोटा सा कमेंट करना है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को हेल्प मिल जाएगी, और जिससे कि ये रहता है कि बहुत लोग अभी डाउट में हैं कि उनको जमा करना है नहीं जमा करना है। हालांकि अभी किसी भी कॉलेज से, किसी भी महाविद्यालय से ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन ऐसे कौन लोग हैं जिन लोगों ने अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल्स हैं वो स्कूल में ऑलरेडी सबमिट कर दी हैं, या कौन ऐसे लोग हैं जो सबमिट करने जा रहे हैं, या किसके कॉलेज से कहा गया है और किन के कॉलेज से नहीं कहा गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो और बच्चे हैं उनको पता चल सके। ओके, तो अब हम आते हैं अपनी मेन जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उस पर। यहाँ पे इन्होंने एक न्यूज़ क्लिपिंग हमको मिली है। एक्चुअली मैं क्या बोलूँ आपको कि मतलब मैं ढूंढता रहता हूँ कि आप लोगों के रिजल्ट्स को लेकर के मुझे क्या अपडेट मिले और वो मैं कैसे आप तक पहुँचाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक अपडेट ये मिली है कि अभी तक 22 सितंबर की ये डेट, मतलब अपडेट है कि बीएड के जो इंटरनल मार्क्स हैं वो अभी अपलोड नहीं हो पाए, ठीक है। बीसीए, बीबीए और अन्य जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उसमें जो स्टूडेंट के इंटरनल मूल्यांकन हैं, ठीक है, वो अपलोड हो चुके हैं, करवा दिया गया था, ठीक है। और उसमें से बीएससी वगैरह के, मतलब कुछ बीसीए और बीबीए के अपलोड हो चुके हैं, और उनके रिजल्ट्स भी शायद हैं आने ही वाले हैं। लेकिन अभी तक ये हुआ है कि जो बीएड के जो इंटरनल अंक हैं, ठीक है, इंटरनल मार्क्स हैं, वो अभी तक अपलोड नहीं हो पाए हैं, और जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं वो लोग काफ़ी परेशान हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इन्होंने दिया है कि बीएड के इंटरनल मूल्यांकन के मार्क्स तभी अपलोड हो पाएंगे जब संचालकों को लॉगिन आईडी, ठीक है, जो लॉगिन आईडी है वो यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अभी यूनिवर्सिटी उनका जो लॉगिन प्रोसेस है वो बंद किया हुआ है, ठीक है। कानपुर यूनिवर्सिटी जो है वो लॉगिन प्रोसेस बंद किया हुआ है। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने वेडनेसडे को, मतलब जो बुधवार था, को सीएसजीएम यूनिवर्सिटी के कुलपति जो प्रोफेसर विनोद पाठक हैं उनसे यह मांग की है कि पदाधिकारियों ने कहा है कि संचालक जो हैं बीएड की समस्या को लेकर के दिक्कत में है। मतलब जो जिस डिग्री को इतना, मतलब वो भी क्या ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं रहे होंगे कि मतलब वैकेंसीज आने वाली हैं, तो बच्चे जो हैं बीएड अगर नहीं उनका रिजल्ट आएगा तो वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, सीटेट और यूपीटेट का फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको फॉर्म फिल करने में, उसके बावजूद मतलब ये जो कुलपति जी हैं इनको कोई, मतलब कोई चीज़ इनको समझ ही नहीं आ रही है। मतलब आप इतना तो समझ ही रहे हैं कि जो कि किसके माध्यम से, मतलब कौन सी चीज़ें प्रायोरिटी हैं, फाइनल ईयर के जो रिजल्ट्स कम से कम वो तो आप दे ही दें, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल ये के कह रहे हैं कि जो संचालक हैं बीएड की समस्या को लेकर दिक्कत में है, और कुलपति जो हैं प्रोफेसर विनय पाठक ने सभी को आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा। अब जल्द से जल्द कितने दिन लेंगे ये भी कोई कन्फर्म नहीं है, ठीक है। और इस मौके पर कोषाध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर ब्रजेश भदौरिया, अनिल कुमार पोरवाल और ओम नारायण तिवारी जो हैं सब मौजूद थे। तो यहाँ पे ये एक न्यूज़ क्लिपिंग थी, वो मैं आपके साथ में डिस्कस किया हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग ये देख रहे हैं, ट्विटर का एक लिंक आपको मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, और टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि एक यूनिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूनिटी नहीं दिखाएंगे तो रिजल्ट्स ये जल्द से जल्द जारी नहीं करेंगे, और ये समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में इस बार के सुपर टेट एग्जाम को देने की, वो हमारे हाथों से छूट जाएगी। तो इसलिए जितने भी बी एस सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी को हों, सपोर्ट करें हम सभी का, ठीक है, हम आप सभी का सपोर्ट करेंगे, और कानपुर यूनिवर्सिटी वालों को सपोर्ट करें, कानपुर यूनिवर्सिटी वाले, आगरा यूनिवर्सिटी वाले बच्चों का सपोर्ट करें, जितने भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हैं सभी का सपोर्ट करें, और सभी लोग अपना ट्वीट जो है कमेंट बॉक्स में डालें, और उन सभी को ट्वीट किया जाएगा, जिससे कि जितने भी कानपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ पर जो ट्वीट दिया है उसको
पर डे कम से कम 5 से 10 बार रिट्वीट करें। अगर आप चाहें तो कम से कम 15 से 20, 25, 30, 40, 50, 60, 100 बार भी रिट्वीट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि उनको पता चले कि हाँ मतलब हम लोग शांत नहीं बैठने वाले, क्योंकि बीएड का रिजल्ट जो है बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उनको समझ आना चाहिए कि हम इतने कोई नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, ठीक है, आप हमको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाइए और अपना जो अकाउंट है उसको फॉलो भी कर लीजिए, जो कि अपडेट मिलता रहेगा, बींग टीचर एंड बींग आईएएस करके अकाउंट है, आप उसको फॉलो कर लीजिए, जिससे कि जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जा करके देख भी सकते हैं प्रोफाइल, आप हमारे देख भी सकते हैं, वहाँ पे जितने भी ट्वीट्स हैं, जितने भी रिट्वीट मैंने किए हैं, वो सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे हम एक जो है ट्विटर अभियान चलाएंगे, और ट्विटर अभियान में आप लोग, उम्मीद है आप लोग हमारा साथ देंगे, और ट्विटर अभियान पे आप लोगों का ही बेनिफिट रहेगा। अगर आप ट्वीट करते हैं और ये ट्वीट अगर आप उन लोगों तक पहुँचती है तो वो लोग, ये तो उम्मीद है, कुछ ना कुछ तो जो प्रोसेस थोड़ा सा वो तेज करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी टोटल, और न्यूज़ के साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वेट करें, ठीक है, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि एक जल्दबाजी से आपका पूरा जो सुपरट का देने का मौका है वो ख़राब हो सकता है। वेट करें, जैसे ही होगा, सीटेट का फॉर्म जैसे ही भरना पड़ेगा, जैसे ही चीज़ें प्रोसेस में बताऊँ वैसे ही करते जाना, आई प्रॉमिस कि आप कभी भी मतलब प्रॉब्लम्स में नहीं आएंगे, ठीक है। मैं चाहो तो मैं लिखित में दे सकता हूँ, सीरियसली अगर किसी को चाहिए तो कमेंट कर सकता है। अगर मैं जैसा बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसे करते जाएंगे ना, तो आप सुपरटेट का फॉर्म आराम से भर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से सीटेट का भी एग्जाम भर लेंगे, यूपीटेट का भी, सॉरी, फॉर्म भर लेंगे और यूपीटेट का भी फॉर्म भर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ओके। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो। और एक चीज़ और है कि सीटेट की क्लासेस और यूपीटेट की क्लासेस सेम रहेंगी, ठीक है, लेवल मैं सीटेट यूपीटेट का दोनों का कराऊंगा, और जो एमसीक्यूज रहेंगे वो यूपीटेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, और यूपीटेट वाले जो हैं वो सीटेट की क्लासेस भी देख सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन जो एमसीक्यूज रहेंगे उनको मैं डिफरेंट में कराऊंगा, ठीक है। यूपीटेट और सीटेट का जो है अलग अलग कराऊंगा, जो एमसीक्यूज रहेंगे, जो प्रैक्टिस सेट रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, ओके, और जो थ्योरी रहेगी वो सेम रहेगी। थ्योरी आपको दोनों को पढ़ना है, सीटेट और यूपीटेट जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं दोनों लोगों की, तो दोनों एग्जाम्स की आपको अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप दोनों लोग सीटेट की जो थ्योरी पढ़ाई जाएगी उसको आप ध्यान से शांतिपूर्वक मन लगा के कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करनी है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मौके बार बार नहीं आएंगे, मौके पे चौका लगा दीजिए, नहीं तो बाद में बहुत पछताएंगे, ओके। तो आज की न्यूज़ इतनी ही है, और बस ये एक चीज़ और बोलनी थी आपसे कि प्लीज़ अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आती हो, अगर आपको ट्रस्ट हो, तो आप एक लाइक बटन दबा सकते हैं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। और एक चीज़ और है कि टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे ये रहता है कि हम लोग एक साथ में रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको बुलाना पड़ता है कि आप आ जाइए, ओके, लेकिन टेलीग्राम पे ये रहता है, टेलीग्राम पे बस जाकर के हमें अपलोड कर देता हूँ, आप लोग आराम से देख सकते हैं, आप लोग जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको हमें पता चल जाती है, तो इसलिए टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाएं। आपसे बार बार रिक्वेस्ट, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपको कमेंट लिंक पे, कमेंट में जाकर के आप पिन किया हुआ होता है, कमेंट में जाकर के भी आप टेलीग्राम का लिंक देख सकते हैं, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर ज्वाइन नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम पे जाइए और सबसे टॉप पे लिखिए जाकर के सर्चिंग में @BeingTeacher01, ठीक है, अगर वो लिख देंगे तो आपका BeingTeacher01 करके शो कर जाएगा, और आप टेलीग्राम से, आपका टेलीग्राम का पूरा वो आ जाएगा, और ज्वाइन पे आप जाकर क्लिक कर देंगे और आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो कि मैंने आपके साथ में डिस्कस की हैं, और ऐसे अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेगी तो मैं आपके साथ में जल्दी मिलूंगा। और क्लासेस आपकी कल सुबह से स्टार्ट हो जाएंगे, पर डे आपको क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस एक या दो क्लासेस डेली मिलेंगी, क्योंकि अकेला हूँ अभी, और 1 अक्टूबर के बाद में आपको क्लासेस जो हैं 2 से 3 मतलब पर डे मिल जाया करेंगे, ठीक है। 1 अक्टूबर तक मैनेज कीजिए, 1 अक्टूबर से रेगुलर क्लासेस आपकी कंटिन्यू हो जाएंगे, ओके। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर चीज़ है, कोई इंपॉर्टेंट बात है, अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर के फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड, मैं आपको साथ में जो आपको मैं ज़रूर भी आपको मतलब जो भी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, वो मैं आपको जरूर सोल्यूशन दूंगा, ओके। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।